आज हम लोग देखेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है? आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में टाइट्रेशन पार्ट देखा था, जैसे हमने एसिड और बेस का रिएक्शन कराया तो उसे हम टाइट्रेशन बोलते थे। तो जैसे जैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, वैसे वैसे सोल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट बनेगा, अगर सॉल्ट बनेगा तो जो आयन्स पहले से था सोल्यूशन में वो बदलेगा, वो चेंज होगा, जो सोल्यूशन में आयन्स नया वाला आ रहा है उससे। तो हम लोग ये जो आयन का एक्सचेंज होता है, एक आयन हटकर दूसरा आयन आता है, इसके बेसिस पे मोलर कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ को देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, चाहे इसको और क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन कर्व ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जब भी आप टाइट्रेशन कराओगे दो कंपाउंड का, तो फिर सोल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होता है, जो ग्राफ होता है, उसी को हम स्टडी करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स एकदम याद रखना अच्छे से, डायरेक्ट इसका ग्राफ आता है, ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है एकदम, अभी हम सिखाएंगे हमेशा के लिए, तुम लोगों को याद हो जाएगा हर केस में। ठीक है, तो ये हेडिंग डालो पहले और उसके बाद नीचे लिखो इन दिस टॉपिक वी ड्रॉ, हम लोग ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के दौरान। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ पॉइंट याद करो, मात्र चार पॉइंट है, ये चार पॉइंट तुम याद रखोगे तो तुम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में किसी भी टाइट्रेशन का तुम ग्राफ खींच सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि H प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, अगर सोल्यूशन में H प्लस आयन है तो उसका मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, H प्लस के बाद OH माइनस आएगा और OH माइनस के बाद सारा आयन आएगा, इतना याद रखो पहले, सबसे पहले H प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद OH माइनस आयन और उसके बाद सारा आयन है। इनफैक्ट OH माइनस के बाद जितना आयन है सारे आयन का तुम सेम कंसिडर कर लेना। ठीक है, हमारे वैसे मोलर कंडक्टिविटी में स्लाइट डिफरेंस होता है बाकी आयन का भी, लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं वहाँ पे जो ग्राफ खींचते हैं वहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि बाकी आयन्स की वजह से मोलर कंडक्टिविटी जो है वो सेम रहेगा, तो हमारा ग्राफ है ना सही तरीके से आएगा। सही है बच्चों, ठीक है, लिखो पहला, लिखो सबसे पहला पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन आर हायर देन अदर आयन्स, H प्लस आयन और OH माइनस आयन का मोलर कंडक्टिविटी सारे आयन से हायर होता है। ठीक है, और इन दोनों में किसका हाई होता है, तो H प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन इज मोर देन दैट ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है बच्चों, OH माइनस आयन की मोलर कंडक्टिविटी की अपेक्षा H प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम लिख सकते थे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अदर आयन्स एक्सेप्ट एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयन आर कंसिडर्ड सेम, H प्लस और OH माइनस आयन को छोड़कर बाकी जितना आयन है सबका मोलर कंडक्टिविटी तुम हमारे डिस्कशन में हमारे लेवल में सेम लेकर चलोगे। ठीक है, याद हो गया। और सबसे लास्ट पॉइंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तुम ये मानकर चलोगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मोलर कंडक्टिविटी में कोई खास का चेंज नहीं आता है, यानी कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी सोल्यूशन में बन रहा है तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी जो पहले था वही बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम आयन प्रोड्यूस करता है, तो अगर बहुत ही कम आयन, नेग्लिजिबल आयन अगर प्रोड्यूस करेगा सोल्यूशन में तो उसके मोलर कंडक्टिविटी में भी नेग्लिजिबल चेंज आएगा। ठीक है, लिखिए लास्ट पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ड्यू टू एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये चार पॉइंट है, ये चार पॉइंट याद रखो, निचोड़ क्या है यहाँ पे, क्या बोले हम, सबसे पहले हाईएस्ट रखोगे H प्लस आयन का, उसके बाद OH माइनस आयन का,
उसके बाद जितना आयन है सबका बराबर लोगे, और जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से मानकर चलोगे कि मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है वो बनाना सीखो। सबसे पहला केस हम ले रहे हैं टाइट्रेशन ऑफ HCl एंड NaOH सोल्यूशन। HCl और NaOH सोल्यूशन का अगर तुम टाइट्रेशन कराते हो, है ना, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज करेगा जैसे जैसे हमारा टाइट्रेशन प्रोग्रेस करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है। सपोज करो कि नीचे सोल्यूशन में HCl है और आपने ऊपर से NaOH को ऐड करा है, यहाँ से तुम NaOH को ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे जैसे हम सिखा रहे हैं एकदम अच्छे से समझ जाओ, स्टेप्स दिमाग में रखो, ग्राफ इसका पक्के से बनेगा और जब भी आएगा सवाल, है ना, वो तुम्हारा नंबर रखा हुआ है तुरंत 10 सेकंड में बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडीमेड सवाल होता है, उसी तरह का हमेशा सवाल पूछेगा जैसा भी हम करा रहे हैं, और डेफिनेटली सॉल्व होता है। अगर तुमको ये चार पॉइंट याद है और किस तरह से हम ग्राफ स्केच कर रहे हैं, ये मेन सीखने का होता है। बहुत सारा बच्चा ये याद रखते हुए भी ग्राफ में फंस जाता है ना, उसको क्लियर नहीं हो पाता है कि किस तरह से ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो जैसे हम बोलेंगे उसको फॉलो करना, ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल फंसेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो नीचे HCl है, ऊपर से हमने NaOH को ऐड करा, सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिख दो। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख रहे हैं NaOH प्लस HCl बराबर सोडियम क्लोराइड जोड़ H2O। अब एक काम करो, तुमको तीन पॉइंट लिखना है, तुमको तीन पॉइंट लिखना है, कौन कौन सा, सबसे पहले ये बताओ पहले सोल्यूशन में कौन सा है, सबसे पहले ये बताइए कि शुरुआत में सोल्यूशन में कौन है। तो शुरुआत में HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी सबसे पहले सोल्यूशन में H प्लस है और Cl माइनस है। ये समझ में आया बच्चों, सबसे पहले सोल्यूशन में ये पता करो कि कौन कौन है। तो सोल्यूशन में पहले से H प्लस और Cl माइनस है, लिख दिया हमने। सेकंड पॉइंट होता है इक्वेलेंट पॉइंट। इक्वेलेंट पॉइंट का मतलब हम NaOH ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तब तक ऐड किया जब तक कि NaOH पूरी तरह से HCl को ख़त्म ना कर दे। तो जिस समय इक्वेलेंट पॉइंट आएगा उसमें हम ये कमेंट कर सकते हैं कि सोल्यूशन में HCl नहीं होगा, जो NaOH ऐड कर रहे हो वो भी नहीं होगा, वो भी रिएक्शन कर जाएगा और केवल सॉल्ट होगा। यानी इक्वेलेंट पॉइंट पे कौन कौन होगा, सेकंड पॉइंट इक्वेलेंट पॉइंट का पॉइंट होगा, और इक्वेलेंट पॉइंट पे कौन कौन होगा ये पता करने के लिए प्रोडक्ट को देख लो, क्योंकि इक्वेलेंट पॉइंट पे रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा। तो प्रोडक्ट में कौन है, सोडियम क्लोराइड और पानी, लिख लो उसको। सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि हम लिखेंगे Na प्लस जोड़ Cl माइनस और साथ में वाटर है। सही है बच्चों, फिर से एक बार समझाते हैं, शुरू में जो था उसको लिख लो, यानी H+ और Cl- को। जैसे ही आपने बाहर से NaOH को ऐड करा, है ना, तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में जो प्रोडक्ट है उसको लिखो, क्योंकि इक्वेलेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो कंटेनर में है उसको लिखो जो शुरू में था, सेकंड पॉइंट में जो प्रोडक्ट में है उसको लिखो, और थर्ड पॉइंट में NaOH को और ऐड करो। कहने का मतलब इक्वेलेंट पॉइंट आ चुका है, लेकिन तुम NaOH को उसके बाद भी ऐड करते जाओ और ये देखो कि मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो एक बात बताओ, इक्वेलेंट पॉइंट पे तुम यहाँ थे, यानी प्रोडक्ट को तो हम लिख ही लेंगे जस का तस, और उसके बाद NaOH को और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेलेंट पॉइंट क्रॉस कर चुका है, यानी फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इक्वेलेंट पॉइंट क्रॉस कर चुका है और ये मोनोप्रोटिक एसिड था, तो सारा H+ तो खत्म हो गया, यानी और रिएक्शन नहीं होगा। तो जो इक्वेलेंट पॉइंट पे है वो तो सॉल्यूशन में रहेगा ही रहेगा, और साथ साथ ऊपर से तुम NaOH को ऐड कर रहे हो। तो अगर तुम NaOH को ऐड करोगे तो सोडियम जो है Na+ जो है और बढ़ेगा, Cl- एज इट इज रहेगा जितना इक्वेलेंट पॉइंट पे था, और कौन ऐड होगा, NaOH को आपने ऐड किया तो Na+ तो आएगा ही, साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन भी आएगा, OH- भी आएगा। अब आ गया समझ में, एक बार फिर से समझा देते हैं। पहले जो सॉल्यूशन में था उसको लिखो, यानी H+ और Cl-, फिर प्रोडक्ट में जो है वो लिखो, क्योंकि इक्वेलेंट पॉइंट लिख रहे हैं, यानी Na+ और Cl-। पानी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पानी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब प्रोडक्ट को लिख लोगे तो उसके बाद और ऐड करो जिसको तुम ऐड कर रहे थे, और ऐड करके देखो कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐड करोगे तो Na+ बढ़ेगा, OH- एक्स्ट्रा आएगा, और जो Cl- पहले से था वो तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने ये चीज़ लिख दिया, और साथ में H2O, माने तो लिखो, नहीं माने तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हम यहाँ से ग्राफ खींच रहे हैं। ग्राफ में y एक्सिस पे आएगा मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और x एक्सिस पे कौन आएगा, तो x एक्सिस पे आएगा ऊपर से तुम किसको ऐड कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो तीन पॉइंट है, एक बात बताओ, पहला से दूसरा पॉइंट पे गए तो क्या हुआ,
पहला पॉइंट ये रहा जब तुम एन ओ एच को ऐड नहीं किए थे, तो जब एन ओ एच को ऐड नहीं किए थे तो केवल एस सी एल था, यानी एच प्लस और सी एल माइनस था। उसके बाद तुम ऐड करना शुरू किए तो ऐड करते गए करते गए करते गए, एक समय ऐसा आया कि सोल्यूशन में इक्वलेंट पॉइंट आएगा, आ गया। ये सेकेंड पॉइंट फिर से बोल रहे हैं, ये इक्वलेंट पॉइंट वाला है ना पॉइंट है, यानी जो प्रोडक्ट में है उसको हम लिखेंगे। तो पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे गए तो देखो क्या हुआ है, सी एल माइनस जस का तस है, लेकिन एच प्लस जो है वो रिप्लेस हो गया किससे, सोडियम आयन से, एन ए प्लस से। हमारे सोल्यूशन में जो एच प्लस है वो रिप्लेस हो गया एन ए प्लस से। तो एच प्लस जब एन ए प्लस से रिप्लेस होगा तो अपना पॉइंट्स याद करो, हमने बोला था कि एच प्लस आयन का मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है एन ए प्लस से। तो फिर से बोलते हैं, पहला पॉइंट में एच प्लस और सी एल माइनस था, सबसे पहले तीन पॉइंट लिख लोगे और उसके बाद ये कंपेयर करोगे कि एक से दो जाने में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है, दो से तीन में जाने में भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो एक से दो में क्या आ रहा है, सी एल माइनस जस का तस है, लेकिन एच प्लस खत्म हो गया और एन ए प्लस आ गया, यानी मोलर कंडक्टिविटी घट गया क्योंकि एच प्लस का ज़्यादा होता है ना, और एन ए प्लस का कम होता है। तो एक काम करो, बता दो इसको, ये घट गया हमारा। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकंड से थर्ड में जाने में क्या हो रहा है, तो सेकंड से थर्ड में एन ए प्लस जो था वो बढ़ रहा है, और यानी मोलर कंडक्टिविटी इसकी वजह से बढ़ेगा। सी एल माइनस जस का तस है और ओ एच माइनस ऐड हो गया फर्दर, है ना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे था एन ए प्लस और सी एल माइनस, और थर्ड पॉइंट में एन ए प्लस भी बढ़ गया जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और एक्स्ट्रा ओ एच माइनस आ गया और आयन आ गया, तो आयन जितना ज़्यादा होगा मोलर कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब जब तुम दो से तीन पे गए तो मोलर कंडक्टिविटी फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है हमारा इक्वेलेंट पॉइंट। तो यही ग्राफ हो गया, बस इतना ही तुमको करना होता है, तुम्हारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इधर हम मिटाते हैं, तुम तब तक नोट करो ये सारा, है ना, पॉज करके नोट करो। इस साइड हम मिटा रहे हैं, देखो बच्चों यही सेम चीज, सेम हेडिंग, टाइट्रेशन ऑफ एस सी एल एंड एन ओ एच। अब आप एक बार करके दिखा दो, है ना, पहला ही चल रहा है अभी भी, ये पहला का फर्स्ट केस था। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि फिर से हमारे पास कंटेनर है, लेकिन इस बार सॉल्यूशन नीचे में एन ओ एच को ले लो और बाहर में एस सी एल को ऐड करो। सारा स्टेप्स उनको क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ भी आना चाहिए, क्योंकि ये भी ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है वहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड नीचे था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है नीचे, ठीक है। तो जिस तरह से हम सिखाएं वैसे पॉइंट फॉलो करो। तो पहला पॉइंट मैंने क्या सिखाया था कि पहले रिएक्शन को लिख लो रिएक्शन को, एस सी एल प्लस एन ए ओ एच। देखो हम कर क्या रहे हैं, अगर इन दोनों का टाइट्रेशन करा रहे हो तो दो तरीका है, या तो तुम एस सी एल को नीचे रखो ऊपर से एन ए ओ एच को ऐड करो, नहीं तो एन ए ओ एच को नीचे रखो ऊपर से एस सी एल को ऐड करो। तो दोनों केस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एस सी एल और एन ए ओ एच का रिएक्शन अगर कराओगे तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और H2O, हो गया है। फिर क्या सिखाए थे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होता था, इक्वेलेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में इनिशियल वाले को लिखते थे, सेकंड पॉइंट में इक्वेलेंट पॉइंट पर यानी प्रोडक्ट को लिखते थे, और थर्ड में इसको और ऐड करके देखते थे कि क्या सीन है, क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो लिखा जाए फर्स्ट पॉइंट, नीचे में कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी फर्स्ट पॉइंट में एन ए प्लस आएगा और ओ एच माइनस आएगा। सेकंड में लिखते थे इक्वेलेंट पॉइंट का, यानी प्रोडक्ट को लिखेंगे, प्रोडक्ट में कौन है, सोडियम क्लोराइड, एन ए प्लस और सी एल माइनस, पानी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट में एच सी एल को और ऐड करो, और एच सी एल को ऐड करोगे तो एन ए प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी एल माइनस बढ़ेगा और साथ में एच प्लस भी आएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ खींचो, मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ हमने ले लिया वॉल्यूम, आप बताओ किसका वॉल्यूम ले, तो जिसको ऐड कर रहे हो उसी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, तो ऊपर से ऐड कर रहे हो एस सी एल को, तो हम यहाँ पर लेंगे एस सी एल को। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे जैसे एस सी एल का वॉल्यूम ऐड करोगे, 0 ml, 5 ml, 10 ml, 12 ml, 50 ml, वैसे वैसे सोल्यूशन के मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे है, मान लो जब तुम फर्स्ट से सेकंड में गए तो एन ए प्लस जस का तस है और ओ एच माइनस रिप्लेस हो गया सी एल माइनस है। अभी हमने सिखाया था कि ओ एच माइनस का बाकी सारे आयन से ज़्यादा लिया जाता है, पहले एच प्लस फिर ओ एच माइनस और उसके बाद सारा आयन जिनका हम इक्वल लेते हैं। तो ओ एच माइनस चला गया सी एल माइनस में, तो यहाँ भी मोलर कंडक्टिविटी घट रहा है, तो पहले इसको घटा दो, घटा दिया हमने। और सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट में गए और एच सी एल जब ऐड करोगे तो हम नोटिस कर रहे हैं कि क्लोरीन भी बढ़ रहा है और एच प्लस एक्स्ट्रा आया है, यानी यहाँ भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है इक्वेलेंट पॉइंट। आ गया समझ में बच्चों, ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद और हम लोग केस देखते हैं। देखो बच्चों, इसके पहले हमने देखा था टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, एस सी एल और एन ओ एच का देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन देख रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। इसका अगला केस होगा वीक एसिड और वीक बेस का। तो देखो
कायदे से तो जब भी ये स्ट्रॉन्ग और वीक का कराते हो तो जो हमारा वीक होता है उसको नीचे लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चन में मेंशन कर सकता है कि CH3COH का सोल्यूशन है और उसमें NaOH को ऐड कर रहा है, तो फिर ये वाला केस पूछ रहा है। लेकिन अगर बोल दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और उसमें बाहर से CH3COH को ऐड करा जा रहा है, तब बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर ये वाला केस हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, ये पता कर रहा है क्वेश्चन में लिखा होता है कि कौन नीचे बीकर में रखा गया है और किसको बाहर से ऐड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखा जाए। हाँ, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो ये वाला केस लोगे, वीक वाले को नीचे लोगे, वीक एसिड को नीचे लोगे, चाहे वीक बेस को नीचे लोगे, है ना, ये वाला स्टैंडर्ड केस होता है, वीक एसिड चाहे वीक बेस को नीचे लेना और बाहर से स्ट्रांग वाले को ऐड करना, लेकिन लिखा हुआ रहेगा कैसे। ठीक है, याद रखना इसको। ये हो गया डिफॉल्ट केस और ये हो गया आपका डिफॉल्ट केस। जब कुछ नहीं दिया हुआ रहा है तो वीक एसिड चाहे वीक बेस को नीचे लोगे, स्ट्रांग वाले को ऊपर से ऐड करोगे। जब दोनों का दोनों स्ट्रांग है तो किसी को भी नीचे ले सकते हो, जब दोनों का दोनों वीक है तो भी तुम किसी को भी नीचे ले सकते हो। ठीक है, देखो तो ये हमारा सोल्यूशन है। क्या सिखाए थे आप लोगों को, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन लिखो, यहाँ पर क्या होगा, CH3COOH, इन्हें वो ऐसे रिएक्शन किया और बनाया CH3COOH NaH2O। फिर बोले थे कि तीन पॉइंट लिखना, सबसे पहले सोल्यूशन में कौन है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में कौन है, नीचे में CH3COOH है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयन में टूटेगा नहीं, तो हम इसको जस का तस लिख रहे हैं CH3COOH। सेकेंड पॉइंट पे क्या बोले थे लिखने को, सेकेंड पॉइंट पे लिखना, हम ऐसा बोले थे कि सेकेंड पॉइंट पे लिखना इक्वेलेंट पॉइंट, यानी कि जो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में सॉल्ट है CH3COOH, और ये ऐसा सॉल्ट है जो 100% डिसोसिएट कर जाता है पानी में, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको लिख दो, ये होगा CH3COOH- और Na+, क्योंकि CH3COOH वीक एसिड है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमने इसको डिसोसिएट करके नहीं लिखा, लेकिन CH3COOH Na एक सॉल्ट है ना, ये एक एस्परिंगली सोल्यूबल सॉल्ट नहीं है, कम्प्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो हम इसको डिसोसिएट करके ऐसे लिखेंगे जैसे सोडियम क्लोराइड को हमने अभी लिखा था। तीसरे पॉइंट में था कि जो ऐड कर रहे हो उसको और ऐड करो, तो और ऐड करोगे तो तुम NaOH को ऐड कर रहे हो, तो ये जो है वो तो रहेगा ही जस का तस, CH3COOH- जुड़े Na+, और बाहर से आप ऐड कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो Na+ जो है वो बढ़ जाएगा और साथ में एक्स्ट्रा आ जाएगा OH-। सही है, तो देखिए 1 से 2 में क्या हुआ, 1 में कोई आयन नहीं था, अगर होगा भी तो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन 1 से जब हम 2 में गए तो देखो आयन्स का संख्या बढ़ रहा है, तो फिर यहाँ पे तुम ऐसे बढ़ा दोगे, बढ़ गया। अब जब तुम 2 से जब तुम 3 में जाओगे, 1 से 2 में बढ़ा मोलर कंडक्टिविटी, और 2 से 3 में जाओगे तो और बढ़ रहा है, OH- आ गया और सोडियम भी आ गया, यानी और बढ़ेगा, और OH- के ऐड होने से बढ़ रहा है, यानी कि और तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि OH- का ज़्यादा होता है, तो यहाँ से भी बढ़ेगा लेकिन स्लोप और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो गया इक्वलेंट पॉइंट। समझ में आ गया बच्चों, अब एक काम करो, तुम लोग खुद से ही ये सब कुछ लिखने का प्रयास करो, उसके बाद मिलाना कि सही लिखे हो या गलत लिखे हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ये तीनों ड्रॉ करने का प्रयास करो। तरीका क्या है, सबसे पहले रिएक्शन लिखना, पहला पॉइंट में जो सोल्यूशन में पहले से था उसको लिखना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो तोड़ के लिखना, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जस का तस लिखना। सेकेंड पॉइंट में जो प्रोडक्ट बने उसको लिखना, और थर्ड पॉइंट में जो भी प्रोडक्ट आया उसमें और ऐड कर दो उसको जिसको तुम ऐड कर रहे हो, और देखो कि क्या सीन होता है। ठीक है, उसको फिर ग्राफ खींच लो, सिंपली ये देख के कि बढ़ रहा है कि घट रहा है ना, वहाँ से पॉइंट आ जाएगा और उन दोनों के स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे। चलिए तो पॉज करके करो, उसके बाद है ना अनपॉज करके आगे सोल्यूशन देखना जो कि हम कर रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये वाला में क्या होगा, पहला पॉइंट तो जो नीचे सोल्यूशन में है पहले उसको लिखेंगे, तो सोल्यूशन में कौन है, Na+ NaOH-। यहाँ रिएक्शन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रिएक्शन लिखा हुआ है पहले ही, यही सेम रिएक्शन होगा। सेकेंड में प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट कौन है, CH3COOH Na, यानी लिखोगे CH3COOH- और यहाँ पे Na+। थर्ड पॉइंट में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें बाहर से और ऐड करो, तो बाहर से CH3COOH ऐड करोगे तो क्या सीन आएगा, CH3COOH के ऐड करने से लिखवाए थे हम लास्ट पॉइंट कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि ये नेग्लिजिबल डिसोसिएट करेगा, तो जो पहले से है उसको लिख लो CH3COOH जोड़ Na+, और बाहर से आपने ऐड करा CH3COOH को, तो ये जस का तस है ना, ये गलती मत करना कि सर हमने इसको ऐड किया तो ये बढ़ जाएगा, ये तब बढ़ता जब ये टूटता, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम इस वाले केस में मान के चलते हैं कि टूटता नहीं है, नेग्लिजिबल टूटता है,
तो हम मान कर चलेंगे कि इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? CH3COOH बाहर से ऐड किया जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट में क्या था, Na प्लस और OH माइनस, और पहला से जब दूसरा में गए, है ना, दूसरा क्या है, इक्विवेलेंट पॉइंट है। पहला से जब दूसरा में गए तो नोटिस करो Na प्लस तो जस का तस है, लेकिन OH माइनस रिप्लेस हो गया इससे, तो बताओ बढ़ा या घटा? तुम्हारा आंसर होगा घटा, क्योंकि OH माइनस का ज़्यादा होता है किसी भी आयन से, तो घटा। तो पहले घटा लो, ये घटा लिया हमने। अब यहाँ से यहाँ में देखो, ये भी जस का तस, ये भी जस का तस, कोई चेंज नहीं आया है, और इसके ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी सेकंड से थर्ड में जाने में मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या अगर आप खींचेंगे हम पैरेलल टू, है ना, वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट, एक चीज़ छूट गया, लिखना चाहिए था। यहाँ बाहर से किसको ऐड कर रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH। यहाँ बाहर से किसको ऐड कर रहे हो, CH3COOH को, तो एक्स एक्सिस पे आएगा वॉल्यूम ऑफ CH3COOH, ठीक है, हो गया। चलो अब अगर ये दोनों हो गया तो ये भी बिल्कुल वैसा ही जाएगा, ठीक है। पहले यही केस देखते हैं, यहाँ नीचे में वीक बेस है और यहाँ नीचे में स्ट्रॉन्ग एसिड था, सॉरी वीक एसिड था, तो नीचे में वीक और स्ट्रॉन्ग ऐड करोगे, यहाँ भी नीचे में वीक है ऊपर से स्ट्रॉन्ग ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सेम ग्राफ आना चाहिए। चेक करते हैं सेम आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो NH4OH और HCl का, तो NH4OH प्लस HCl बराबर प्रोडक्ट आएगा NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। पहला पॉइंट, नीचे में कौन है, तो पहले से NH4OH है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एज इट इज़ लिख लो। सेकंड में लिखते हैं प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट में कौन है, NH4Cl, लिख लो उसको, NH4 प्लस और Cl माइनस। थर्ड में जिसको ऐड कर रहे हो और ऐड करो, तो HCl ऐड कर रहे हो, तो HCl को ऐड करोगे तो Cl माइनस बढ़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Cl माइनस बढ़ेगा और एडिशनली H प्लस आ जाएगा। फर्स्ट से टू में जाने में, वन से अगर तुम टू में गए तो NH4OH था और उसके जगह पे आयंस आ गया, तो यहाँ से जब तुम यहाँ आए तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया, बढ़ा दिए, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम नोटिस करो H प्लस और ऐड हो रहा है, Cl माइनस भी बढ़ रहा है, तो और तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि H प्लस ऐड हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट। देखो तो ये ग्राफ वो ग्राफ सेम आ गया, क्योंकि वहाँ भी हमने नीचे में वीक एसिड को लिया था, यहाँ भी हमने वीक को ही लिया है, भले ही ये बेस है लेकिन वीक को ही लिया है और स्ट्रॉन्ग को ऐड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ सेम चीज़ बताओ, सबसे पहले सोल्यूशन में कौन था, HCl, पहला पॉइंट में लिख दिए H प्लस और Cl माइनस। सेकंड पॉइंट में प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो रिएक्शन हमारा यहाँ लिखा हुआ था इसलिए हमने रिएक्शन को दोबारा नहीं लिखा। प्रोडक्ट में कौन है, NH4Cl, लिख लो NH4 प्लस और क्लोराइड आयन। थर्ड पॉइंट में जिसको ऐड कर रहे हो और ऐड करो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहे अमोनिया, NH4OH जिसको तुम ऐड कर रहे हो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है, वो टूटने वाला नहीं है, तो हम लिखेंगे NH4 प्लस प्लस Cl माइनस और आपने ऐड करा है NH4OH को, ठीक है। तो ये नीचे वाला ग्राफ हमारा आना चाहिए। चेक करते हैं, वन से टू में गया तो Cl माइनस जस का तस और H प्लस जो है उसके जगह पे NH4 प्लस आ गया, बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा क्योंकि H प्लस का ज़्यादा होता है, तो घटा दो पहले, सपोज करो पहले यहाँ थे और यहाँ से घट के ऐसे आ गए। सेकेंड से थर्ड में आयंस तो वही है, जस का तस है और उतना ही है, बढ़ भी नहीं रहा है, और साथ में आपने ऐड करा NH4OH को, तो उसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमारे मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसको ऐड करने से, NH4OH के ऐड करने से, तो यहाँ से पैरेलल हो जाएगा, ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट। यहाँ पर किसको ऐड कर रहे थे बाहर से, HCl को, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ HCl, सही है बच्चों। तो नोट कर लो इसको, समझ लो अच्छे से, एक दो बार खुद से भी ट्राई कर लो, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला केस। देखो बच्चों अगला केस देखते हैं, टाइट्रेशन ऑफ CH3COOH और NH4OH सोल्यूशन, वीक एसिड वीक बेस, तो दोनों ही वीक है, तो नीचे तुम वीक बेस रखो चाहे वीक एसिड रखो, ग्राफ हमारा सेम आना है। तो इसमें किसको ऐड कर रहे हो, CH3COOH को, तो यहाँ हमने वॉल्यूम एक्सिस पे लिख लिया वॉल्यूम ऑफ CH3COOH। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन चलो नीचे लिख देते हैं क्योंकि दोनों में सेम रिएक्शन होगा, CH3COOH प्लस NH4OH, दोनों का दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, लेकिन जो सॉल्ट बनेगा CH3COOH NH4, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है प्लस H2O,
तो फर्स्ट केस में क्या आएगा, पहले से सोल्यूशन में देखो कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है, तो लिख दो इसको पहले NH4OH। सेकंड पॉइंट मैं प्रोडक्ट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट लिख दो CH3COO- और NH4+, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% टूट गया। अगर तुम्हें ये दिक्कत आ रही है कि आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर देखना। आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया हुआ है कि कुछ सॉल्ट जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ सॉल्ट जो रहता है वीक होता है। जो वीक सॉल्ट होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो भी सॉल्ट, उसे मैस परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। वो 100% वाटर में टूटता नहीं है, है ना, वो प्रेसिपिटेट कर जाता है बहुत सारा उसका हिस्सा, ठीक है। तो है ना, वो आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़े होगा तो तुमको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो वाला जो लेक्चर होगा सॉल्ट का, उसको रिवाइज कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर थर्ड। थर्ड में क्या करते हैं, जिसको ऐड कर रहे हो उसको और ऐड करो। तो CH3COO को अगर ऐड करोगे तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऐड करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जस का तस हम लिख देंगे इसको, CH3COO को, और ये जस का तस, सही है बच्चों। तो एक से दो में क्या हुआ, एक में कोई आयन नहीं था और सेकंड में गया तो हमारे पास आयन आ गया, यानी एक से दो में बढ़ रहा है, इंक्रीज करा दिए हम। और दो से तीन में, दो नंबर में जो आयन था वही आयन यहाँ भी है और इसके ऐड करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो दो से तीन जाने में हमारा मोलर कंडक्टिविटी कॉन्स्टेंट रह गया। ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट, सही है। फिर से देख लो एक बार क्या किया पहले, शुरू में हमने NH4OH को लिखा, सेकंड जो होता है वो इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, तो इक्विवेलेंट पॉइंट में प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट हमारा, तो ये ब्रेक कर जाएगा CH3CO- NH4+ में। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में आयन के फॉर्म में रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो वाटर में आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेगा। थर्ड में हम CH3COH को और ऐड किए हैं, और ऐड करोगे तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट से सेकंड में आयन्स की संख्या बढ़ गई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, सेकंड से थर्ड में आयन्स का नंबर जो है जस का तस है, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने वाला नहीं है, कॉन्स्टेंट रह गया। यहाँ आ जाओ पहला पॉइंट, शुरू में कौन है, शुरू में CH3COH है, लिख लो CH3COH। सेकंड में कौन है, तो सेकंड में प्रोडक्ट होगा फिर से CH3CO- NH4+। एक बात बोलना भूल गए, पॉज करके तुम लोगों को पहले इसको करना था, है ना, पॉज करके इसको पहले करो। वो दोनों तो खैर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको तो हम बताएंगे, लेकिन ये वाला पहले तुमको करना था। तो अभी भी हो सके तो पॉज करके करो, बाद में फिर मिला लेना ये दोनों, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्ट, थर्ड में सॉल्ट जो है वो एज इट इज CH3CO- NH4+, और आप बाहर से ऐड कर रहे हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, तो यहाँ भी लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ NH4OH, और बाहर से ऐड कर रहे हो NH4OH को। अब बताओ क्या आएगा, फर्स्ट से सेकंड में आयंस बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, सेकंड से थर्ड में आयंस का नंबर वही का वही है, जस का तस है, और NH4OH एक्स्ट्रा आया है तो उसके आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ से यहाँ ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट, सही है बच्चों, हो गया ये, नोट कर लो। अब इधर आते हैं, अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग केस है, ये दोनों इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। इसमें देखो सोल्यूशन में पहले से एक HCl है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HCN है ना जो कि एक वीक एसिड है, और बाहर से आप एक बेस ऐड कर रहे हो जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। उल्टा भी सोच सकते हो, नीचे में वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस और ऊपर से एसिड ऐड करो। तो देखो जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करोगे तो पहले ये स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करेगा, यानी पहले ये HCl से रिएक्शन करेगा तब तक जब तक इक्विवेलेंट पॉइंट ना आ जाए। एक बार जब HCl पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब तुम NaOH को ऐड करोगे तो अब वो HCN से रिएक्शन करना शुरू करेगा वीक वाले से, और फिर से एक और इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, यानी इसमें दो इक्विवेलेंट पॉइंट होगा। और उसके बाद अगर NaOH और ऐड करोगे तो उसके बाद वो सीधे बढ़ता जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, दो रिएक्शन होगा, NaOH का पहले रिएक्शन होगा HCl से, बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर, फिर क्या होगा और NaOH ऐड करोगे तो अब वो HCN से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा NaCN सोडियम साइनाइड, जो कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, 100% टूटेगा, वाटर में Na+CN- अलग अलग होगा, प्लस H2O। अब बताइए क्या होगा, ग्राफ दे देते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम किसका, बाहर से किसको ऐड कर रहे हो NaOH को, और एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे लैम्डा एम होगा, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले सॉल्यूशन में कौन था, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में HCN था जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और HCl था जो कि स्ट्रॉन्ग है,
तो HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में रहेगा, HCN हमारा जस का तस रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे क्या आएगा, ये जो सेकेंड पॉइंट है ये पहला इक्वलेंट पॉइंट है, फर्स्ट इक्वलेंट पॉइंट। तो अगर ये फर्स्ट इक्वलेंट पॉइंट है, अगर ये फर्स्ट इक्वलेंट पॉइंट है तो पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट को लिखोगे, तो पहला रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा है, NaCl। तो इसको लिख लो Na प्लस और Cl माइनस, और HCN से रिएक्शन हुआ नहीं है तो ये सॉल्यूशन में अभी भी मौजूद रहेगा, सही है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में जब तुम और NaOH ऐड करोगे तो अब NaCl जो बना था वो तो जस का तस रहेगा, लेकिन अब HCN से रिएक्शन शुरू होगा, यानी सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखोगे। तो सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, Na प्लस। तो Na प्लस का मतलब क्या, पहले से जो Na प्लस था वो बढ़ेगा, पहले से जो Cl माइनस था वो तो जस का तस रहेगा, लेकिन जब NaCN आया तो साथ में साइनाइड भी आएगा, यानी फिर इसकी वजह से ही बढ़ेगा, सही है बच्चों। और नंबर चार में जब तुम NaOH को और ऐड करोगे तो ये जो है वो तो रहेगा ही, और साथ में NaOH को ऐड कर रहे हो, यानी कि Na प्लस भी बढ़ेगा, Cl माइनस एज इट इज रहेगा, साइनाइड भी जस का तस रहेगा, और साथ में OH माइनस जो ऐड कर रहे हो वो भी बढ़ेगा। NaOH को ऐड करने से OH माइनस जो आया वो भी बढ़ेगा। तो ये चार केस आया, चारों को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले आप बताओ वन से टू में क्या फर्क पड़ रहा है। तो वन से टू में Cl माइनस जस का तस है और H प्लस हमारा रिप्लेस हो गया Na प्लस से। तो H प्लस अगर Na प्लस से रिप्लेस हुआ तो एक से दो में हमारा मोलर कंडक्टिविटी सीधे सीधे घटा है। दो से तीन में जाओ देखो क्या हुआ, है ना, ये हमारा पहला इक्वलेंट पॉइंट आ गया, ये है फर्स्ट इक्वलेंट पॉइंट। टू से थ्री में देखो क्या हुआ, सोडियम भी बढ़ रहा है ना, क्लोरीन जस का तस है और साइनाइड आयन बढ़ रहा है, साइनाइड आयन एक्स्ट्रा आ गया। तो सोडियम के बढ़ने से बढ़ेगा और साइनाइड के आने से भी बढ़ेगा, तो यहां से फिर हमारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया है। ये आ गया सेकेंड इक्वलेंट पॉइंट, है ना। और थर्ड से जब फोर में जाते हो तो सोडियम जो है वो और बढ़ा, Na प्लस और बढ़ गया NaOH के ऐड होने से, Cl माइनस जस का तस, साइनाइड आयन जस का तस और OH माइनस भी आ गया, यानी ये भी बढ़ रहा है। और बिकॉज कि अब OH माइनस आ रहा है, यानी सेकेंड से थर्ड की तुलना में थर्ड से फोर में ज़्यादा से बढ़ेगा, ज़्यादा स्लोप से बढ़ेगा। सेकेंड से थर्ड में सोडियम के बढ़ने की वजह से बढ़ रहा था और साइनाइड के बढ़ने की वजह से, और थर्ड से फोर में सोडियम तो बढ़ ही रहा है लेकिन साइनाइड के बजाय OH माइनस से बढ़ रहा है, तो OH माइनस का मोलर कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है, यानी यहाँ से फिर से बढ़ेगा लेकिन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, यानी ग्राफ हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना। वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा पीछे ले जाकर अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार देखना, फिर भी समझ में नहीं आया फिर से देखना, तब तक देखना जब तक कि समझ में ना आ जाए, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, नीचे में कौन है, HCN और HCl। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया, तो H प्लस Cl माइनस और HCN हो गया। NaOH को ऐड किया तो पहला इक्वलेंट पॉइंट कहाँ से आएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। तो सेकंड पॉइंट में हमने Na प्लस और Cl माइनस को लिखा, और NaOH को ऐड करोगे तो अभी HCN से रिएक्शन करेगा, यानी सेकंड सॉल्ट भी आएगा। तो पहला सॉल्ट तो है ही, साथ साथ दूसरा सॉल्ट भी आ गया, यानी सीधे बढ़ गया। तो पहला से दूसरा में घटा, सेकंड से थर्ड में बढ़ा, और थर्ड के बाद कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बस तुम NaOH को ऐड करते जा रहे हो। तो ऐड करोगे तो Na प्लस ही बढ़ेगा और OH माइनस ही बढ़ेगा, यानी इसके बाद और ये बढ़ता चला गया तेजी से, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, ये इंटरेस्टिंग कैसा, देखो इसमें क्या होता है, जब तुम रिएक्शन कराओगे AgNO3 एक्वस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में पूरी तरह से टूट जाएगा। इसका रिएक्शन तुम करा दिए सोडियम क्लोराइड से, एक्वस लिखने का मतलब क्या, सारा एक्वस टूट जाता है, नहीं सारा एक्वस नहीं टूटता है, CH3COOH को भी हम एक्वस लिखते हैं लेकिन वो थोड़ा ही टूटता है, वो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये दोनों, तो फिर हम ऐसा क्यों बोले कि एक्वस लिख रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रेसिपिटेट होगा, यानी वो सॉलिड हो जाएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम ऐसा बोल रहे थे। तो सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इस वजह से टूट रहा है, ना कि एक्वस है इस वजह से टूट रहा है। एक्वस का मतलब ये वाटर में है, एक्वस का मतलब वाटर में है ना, प्रेसिपिटेट नहीं किया है, वाटर का हिस्सा है ये, कुछ हिस्सा अगर ये वीक होता है तो इसका कुछ हिस्सा टूटता है, लेकिन ये स्ट्रांग है तो ये 100% टूटेगा। अब ये रिएक्शन करेगा तो Ag और Cl मिलकर बना देगा AgCl, और AgCl जो है वो सॉलिड होता है, वो नीचे जाकर बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट की तरह, प्लस और क्या आएगा, दूसरा आएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस, ठीक है बच्चों, लिख लिए। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ, अब ग्राफ खींचना है। तो पहले बताओ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले कौन है नीचे, AgNO3, यानी सबसे पहले आपके पास है Ag प्लस एंड NO3 माइनस,
सही है। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में प्रोडक्ट लिखते थे, तो प्रोडक्ट में देखो एक AgCl है, लेकिन ये तो प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो यहाँ से तुम्हें कोई आयन मिलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ से तो मिलेगा, तो यहाँ पे कौन है, एक तो Na प्लस है और एक नाइट्रेट आयन है NO3 माइनस। तो फर्स्ट से टू में क्या हुआ, फर्स्ट से टू में कोई फर्क नहीं पड़ा, रीज़न नाइट्रेट जो है वो तो जस का तस है, लेकिन Ag+ Na+ से रिप्लेस हुआ, और हमने बोला था कि तुम H+ और OH- को छोड़कर बाकी आयन्स का सेम लेते हो, तो हम इन दोनों का सेम ही ले लेंगे, और अगर सेम ले लेंगे तो चेंज भी नहीं होगा। सेकेंड से थर्ड में क्या होता है, तो थर्ड में और ऐड करते हैं, तो और NaCl अगर ऐड करोगे तो Na+ बढ़ेगा, NO3- भी बढ़ेगा, और साथ में क्लोराइड आयन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड से थर्ड में हम नोटिस कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि मोलर कनेक्टिविटी बढ़ रहा है। आप ग्राफ खींच लो, ये हो गया मोलर कनेक्टिविटी, और आप ऐड कर रहे हो NaCl को बाहर से, ठीक है। तो एक से दो में क्या हुआ, फिर से बोलते हैं, नाइट्रेट जस का तस, Ag+ रिप्लेस हुआ Na+ से, H+ और OH- को छोड़कर बाकी आयन्स का हम सेम लेते हैं, तो Ag+ अगर Na+ से रिप्लेस हुआ तो हम बोलेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉन्स्टेंट ही रह गया, तो इसको कॉन्स्टेंट ही कर लो, कर लिया हमने कॉन्स्टेंट। और सेकेंड से थर्ड में Na+ बढ़ रहा है, Cl- भी बढ़ रहा है, यानी यहाँ से इंक्रीज करेगा कुछ ऐसे, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट है, ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, अच्छे से समझ लो। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की क्लासें ख़त्म होती है, और साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा चैप्टर भी ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कंडक्टेंस, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है कंडक्टेंस का ही पार्ट है। जो भी हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से बार बार कॉपी को रिवाइज करना, आपका एग्ज़ाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। कॉपी को एवरी डे पढ़ना, एवरी डे उसको रीडिंग मारना, अपने आप कुछ दिनों में कॉपी तुमको याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।